वेलकम टू न्यू वीडियो गाइस। आज हम आपको पैंट प्लाजो की कटिंग करना सिखाएंगे, वो भी 33 वेस्ट की कटिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कपड़े की दो तह बिछा ली है, तो आप भी इसी तरह से कपड़े को दो तह में बिछा लीजिएगा। ये देखिएगा, ये सिंगल पल्ला है, इसके बाद में इसके नीचे डबल पल्ला है, और जो खुले वाली साइड है वो हमारी वाली साइड पर होनी चाहिए जहाँ से आप कटिंग कर रहे हैं। जो बंद वाली साइड है वो इसके अपोजिट साइड में होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके नीचे 2 से 2.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे, और उसके बाद में इसकी लेंथ है 35 इंचेस की, तो हम इसकी लेंथ को 34 इंचेस का रख लेंगे। 1 इंच की हमारी ऊपर बेल्ट आ जाएगी। तो उसके बाद में हम इसका स्ट्रेट निशान लगा लेंगे। उसके बाद में हमारी हिप्स है 36 इंचेस की, तो 9 × 4 = 36, 9 इंचेस, और प्लस 1.5 इंच का हम इसके अंदर मार्जिन लगा देंगे, तो 10.5 इंच के ऊपर हमने इसका आसन रख लिया है। अब इसकी कमर 33 इंच की है, तो 1.25 इंच, और 1 इंच का हमारा सिलाई में चला जाएगा, 9.25 इंच, और 1.25 इंच हमारी प्लेट में चला जाएगा। तो 10 इंच की मैंने इसका रख लिया है इसकी वेस्ट साइज, और 1 से 1.5 इंच का मार्जिन हम इसका आगे रख देंगे आसन वाली जगह से। अब हम इसका जितना ये हमारा 11 इंच का आया है, 11 इंच का सेंटर बना के 5.5 इंच का ही घोड़े पे निशान लगा लेंगे, और 5.5 इंच का ही हम नीचे मोरी पे निशान लगा देंगे। अब हम इतना इसका जितना भी घोड़ा है उतना रख देंगे। इसका जो घोड़ा है नी साइज़ है वो 14 इंच का है, तो हमने 14 ही रख दिया है, और नीचे से इसकी जो राउंडनेस है वो 12 इंचेस की है, तो हमने इसके जो नीचे से राउंडनेस है वो 12 इंच की रख दी है। अब कुछ इस तरह से मैंने जिस तरह से शेपर फट्टी से निशान लगाया है, आप भी उसी तरह से शेपर फट्टी से निशान लगा लीजिएगा, और इसकी हल्की सी आसन वाली जगह से इस तरह से शेप दे दीजिएगा। अब निशान के ऊपर ऊपर फ्रंट को कटिंग कर देना है हमने, तो फ्रंट की कटिंग जो करेंगे वो हम करेंगे बिल्कुल निशान के ऊपर ऊपर। हमारी फ्रंट की कटिंग हो गई है गाइस, और जो हमारा साइड वाला हिस्सा है उसको भी हमने बिल्कुल निशान के ऊपर ऊपर ही कटिंग कर देना है, और नीचे से इसका जितना मार्जिन है उतना रख के बाकी कपड़े को कट कर देना है। इसी तरह से हम इसकी बैक की कटिंग करेंगे, तो बैक का कपड़ा सबसे पहले हम दो तह में इसी तरह से बिछा लेंगे, जिस तरह से मैं दो तह में बिछा रहा हूँ, आप भी कुछ इसी तरह से दो तरह में इसके कपड़े को बैक को बिछा लीजिएगा। बैक का कपड़ा बिछाने के बाद में कुछ इस तरह से हमने फ्रंट को बैक के ऊपर रख देना है, और अब हमने इसके अंदर 1.5 इंच का मार्जिन को एक्स्ट्रा रख लेना है। ये 1.5 इंच का मार्जिन मैंने रख लिया है इसके अंदर। अब ये 1.5 इंच का मार्जिन हमने बैक के अंदर ऐसे बढ़ा दिया है, और 1.5 इंच का मार्जिन हम नीचे घोड़े तक इसका और नीचे राउंडनेस तक ऐसे ही बढ़ा कर चलेंगे। अब ये मेरे पास शेपर फट्टी है, ये 1.5 इंच की है, तो 1.5 इंच का मार्जिन मैंने इसका शेपर फट्टी की आइडिया से ही लगा लिया है, और हम इसको इस तरह से क्रॉस 1 इंच का ऊपर लगा देंगे, ताकि हमारा जो नीचे से पेंट का खिंचाव होता है वो भी नहीं होगा। अब जो हमारी दूसरी वाली साइड है उस साइड से हम इसके बराबर बराबर कटिंग कर देंगे, और बैक को हम निशान के ऊपर ऊपर 1 से 1.5 इंच का मार्जिन लेकर बिल्कुल निशान के ऊपर ऊपर ही कटिंग कर लेंगे इसकी। और ये हमारी बैक कुछ इस तरह से कटिंग हो जाएगी, नीचे से हम मार्जिन को कट कर देंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो